जिंदगी तो नहीं, गम की मझधार है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से क्या डॉ? देखिए मैं आप दोनों से कुछ छुपाना नहीं चाहती, रीजन में प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम? क्या क्या प्रॉब्लम है? ये मां नहीं बन सकती। जख्म लगाए कोई कोई आके जख्मों को। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, मैं कुछ टेस्ट और दवाइयां वगैरह लिख के देती हूँ, आप उसको जारी रखें। डॉक्टर वही तो ट्रीटमेंट होगा ना, दवाइयों से आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। दानिश साहब इलाज तो है, हो सकता है दवा से शिफा मिल जाए, लेकिन नतीजा तो बहरहाल खुदा पर ही छोड़ना होता है। ये दवाई क्या आपने झूठ कहा अम्मी से? हद हो गई भाई, क्या आप जानते नहीं अम्मी को? और क्या करता मैं? जिस तरह अलीजे के साथ अम्मी का रवैया हो गया था, जैसे वो इस घर की नौकरानी है। बस मैंने कह दिया फिर कि अलीजे प्रेग्नेंट है, और ऐसा करने के लिए मुझे अरसल्ला ने कहा था। अरसल्ला ने? हाँ, चाहे झूठ के जरिए ही सही, लेकिन अरसल्ला चाहती थी कि अलीजे को किसी ना किसी तरह आराम तो मिले। और आपने उसकी बात मान भी ली, यह नहीं सोचा कि कल को यह बात खुल भी सकती है, फिर क्या होगा? यही तो समझ नहीं आ रहा ना, क्या करूं मैं? और अब तुम अरसल्ला से जाके कुछ मत कहना, उस बेचारी ने तो हमारी मदद करने की कोशिश की, गलती मेरी है कि मुझे उसकी बात माननी नहीं चाहिए थी। और भाभी वो क्या चाहती है? वो क्या चाहेगी बेचारी, वो तो खुद परेशान डरी बैठी है अम्मी से। भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपने बेवकूफ़ी की है, और वो भी बहुत बड़ी। ऐसे तो और सरना अम्मी की नज़रों में और गिर जाएगी। अब जो होना था वो तो हो गया ना, अब कुछ कर तो नहीं सकते। इस झूठ से एक बात सामने आ गई कि इसे कभी मां नहीं बन सकती। समझ नहीं आ रहा कि ये बात अम्मी से कैसे छुपाऊं। तो फिर अब हमें एक और झूठ बोलना पड़ेगा। क्या? अम्मी से बहाना करके भाभी को उनकी खाला की तरफ छोड़ा। हम अम्मी से कहेंगे सीढ़ियों से गिर गई। पागल हो गए हो तुम? अगर अम्मी को पता चल गया तो? भाई संभाल लेंगे ना मिलकर। बिल्कुल अकेली रहने लगी है, एक मेड रखी है पर वो उनका कितना ख्याल रखेगी? दीदी शादी के बाद से तो मम्मी और भी बीमार हो गई है। हाँ भाई उनकी भी मजबूरी है, बेटा पास होता बहू पास होती वो और बात जी, लेकिन अब तो वो दुबई में है ना। हाँ भाई हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो बेटी और दामाद के साथ आकर रहने लगे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया क्या कहेगी, और मुझे यकीन है वो खुद भी ऐसा नहीं चाहिए। जी हमेशा से वो अपने ही घर में रही है, बस आपसे एक परमिशन चाहिए थी, अगर आप अलीजे को कुछ दिनों के लिए अम्मी के पास भेज दें तो। अरे मैं तो भेज दूँ इसे, पर तुमने ही इसके जाने के बाद काम को हाथ तक नहीं लगाना, फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं आप काम की फिक्र मत करें, मैं सब कर लूँगी,
आप बस अलीजे को जाने दें। चलो ठीक है, दानिश से कह दूंगी दो चार दिन के लिए छोड़ आएगा इसे, पर इसे भी जरा अपना ख्याल रखना होगा। जी अम्मी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। थैंक यू। जाओ मेरी जरा तस्वीर पकड़ाओ। चलो खाना हो जाए तो बताओ। जी अम्मी। सारे कपड़े लेकर क्यों जा रही हो? जब मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा ना। क्या मतलब है? तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। मैं क्यों मजाक उड़ाऊं? साथ तो जिंदगी उड़ा रही हूँ। प्लीज प्लीज, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा प्लीज प्लीज, अब रो तो मत। है खुदा, जैसे मैं हूं ना तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, प्लीज मत रो। तूने क्यों ऐसी बनाई, धूल में लिपटी हुई है आईने की परछाई। चलो ना चले यहाँ से, मैंने मैंने घूमने जाना है, आइसक्रीम खानी है। मैंने नहीं दानी भाई, आइसक्रीम भी खाएंगे, पहले डॉक्टर से तो मिल ले। आए बस 5 मिनट। मैं निम्रा नहीं हूँ। एक सेकेंड, बात सुने आप, निम्रा है ना? हाँ निम्रा ही है। झूठ बोल रही है कि निम्रा नहीं है। जी नहीं, मैं निम्रा नहीं हूँ, आपके शोहर को कोई गलत फहमी हुई। एक्सक्यूज मी, शोहर नहीं है ये मेरे, भाभी हूँ मैं इनकी। कहाँ चली गई थी तू? हाँ कहाँ गई थी तुम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तड़पाऊ में तुम्हारे लिए तुम एहसास है। हालत देखो मेरी, क्या से क्या हो गई। और कह रही हो कि तुम निम्रा नहीं। आपसे बिछड़ जाने के बाद दानिल भाई का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, बहुत तकलीफ, बहुत अजियत में रहे। शायद आज आपको देखने के बाद
सब याद आ गया दानिल भाई को? क्यों दानिल भाई? हाँ सब याद आ गया, सब कुछ। इसके साथ बिताए भी तमाम लम्हात, एक एक पल सब याद आ गया मुझे। लेकिन ये शायद भूल गई है सब कुछ। आप क्यों छोड़ के गई थी दानिल भाई को? ये तो नसीबों की बात, जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। अब तुम आ गई हो ना, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें सब ठीक हो जाएगा, आप बहुत खुश रहेंगे। अब नहीं जाने दूंगा तुम्हें, अब मुझे छोड़ के मत जाना। बहुत देर हो चुकी है दानियाल, बहुत देर। आपने शादी कर ली है क्या? हाँ चलती हूँ। अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं, मैं आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लाइफ? मैं आज भी अपने अम्मी और बाबा के घर पे रहती हूँ। बाबा का इंतकाल हो गया और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं यहाँ आई। भाई आपकी दवा का टाइम हो गया, कभी तो टाइम पे दवा खाया करें। ये ज़िंदगानी क्या हुआ भाई, तुम्हें ठीक है? वो हवा के झोंके की तरह है। लेकिन इस बार मैंने रोका नहीं उसे, जाने दिया, जाने दिया उसे। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? अपनी जिंदगी की। वो खुश है या नहीं? खुश होगी ना? भाई हुआ क्या है? आप तो अर्सलना के साथ गए थे ना डॉक्टर के पास? हाँ। लेकिन वहां निमरा भी थी। निमरा? आपकी दोस्त निमरा मिली थी आपसे? शादी हो गई उसकी। ओह इसीलिए वो आपको छोड़कर गई थी। भाई आपने उसके लिए अपनी क्या हालत बना ली, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, और अगर करती होती तो आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाती। अच्छा काम करो, वो दवा दो मुझे, ला दो। चले आ चाहे आई है रोशनी। जी अम्मी क्या हुआ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरा तो तू रही है, हमें ऐसी बुरी बुरी चाय पिला के। वैसे अम्मी आपने इसे कुछ नहीं सिखाया,
बस बिला वजह की पढ़ाई पे लगा दी। उजाला पढ़ती भी थी और घर के सारे काम भी करती, लेकिन ये बिल्कुल ही फारिग। सुन ले, तो उस वक्त हमारे घर में भाभियां थोड़ी थी, अब तो मेरी दो दो भाभियां हैं, फिर मैं काम क्यों करूं? अच्छा, घर के काम करने के लिए आई है? रोशनी, घर की नौकरानियां नहीं, घर की भाभियां हैं, इस घर का हिस्सा हैं। आए हाय, इसमें नौकर की क्या बात है, हमने भी सारी जिंदगी घर का काम किया है, अब ये आजकल की बहुओं के तो चोंचले ही निराले। हाँ, और भाई आपको पता है मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने भाभियों से दोस्ती कर ली है, मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। सारी चालाकी जो है वो बस काम ना कराने तक ही है। एक जोड़ा तो निकलवाना सकी दोनों में से किसी से, अपने लिए 100-100 जोड़े लेकर आई हूँ दोनों। अम्मी, सिर्फ चीजों से चालाकी थोड़ी नजर आती है। अम्मी, ये क्या सिखा रही हैं आप इसे, ये इज्जत आपकी नजर में अपनी बहुओं की? भाई, अम्मी की नजर में इतनी इज्जत है। बात सुनो, इज्जत जो है ना वो बनाने से बनती है, जैसी बनाएंगी वैसी ही बन जाएगी, ज्यादा तरफदारियां ना करो अपनी। दूसरी ले जा नहीं की जाती, बड़ी बुरी जा। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी, खैरियत है? दानियाल कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं? हाँ, गई थी देखने उसको, कमरे में नहीं है, खाली पड़ा है कमरा। अरे कहाँ जाएंगे, कमरे में होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था उन्हें। अरे नहीं है ना, सब तरफ देख के आई हूँ, नहीं है कहीं भी, पता नहीं कहाँ कमरों में घुसे बैठे रहते हैं, किसी को फिक्र नहीं है भाई। क्या हो गया अम्मी, रिलैक्स करें, यहीं कहीं होंगे, मैं देखता हूँ उनको। ऊपर छत पे होंगे, मैं छत पे देख कर आता हूँ। छत पे कहाँ से चला जाएगा, मैं बाहर देखता हूँ। आज तक ना गया। अरे मिला, क्या हुआ दुरैन, अम्मी इतना शोर क्यों मचा रही थी? दानियाल भाई को अपने कमरे में ना पाकर परेशान हो गई थी। तो वो कहीं चले तो नहीं गए थे? छत पर थे वो, पता नहीं क्यों काफी डिस्टर्ब लग रहे थे, बड़ी मुश्किलों से समझा बुझाकर उनको उनके कमरे में छोड़कर आया हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद ज्यादा अपसेट हो गए। क्यों? उनकी मोहब्बत निम्रा की वजह से। पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगे निम्रा का, डॉक्टर ने कहा था एक और सेशन रह गया, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुरैन ठीक है, वो पागल नहीं है, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन फिर भी अरसल ना, वो हॉस्पिटल से आने के बाद तारे भाई इसलिए ज्यादा अपसेट हैं क्योंकि उनको वहां निम्रा मिली थी। निम्रा? फिर क्या भाई से बात की उसने? तानी भाई ने पहचान ही रहा था उन्हें, उन्होंने बताया कि उनकी शादी हो गई है। बेचारे तानी भाई भी क्या करें, अब वो ना कभी उनको मिल सकते हैं और ना ही वो उसको कभी भुला सकते हैं। भाभी, भाई कहाँ है? दुरैन तो दानियल भाई के साथ उनके कमरे में। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे है ना,
अच्छा, कितने चाहिए? 1000 रुपए से तो कुछ होगा नहीं, 2000 मिल जाते तो ठीक था, वरना मैं अम्मी से ले लेती। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मुझसे ले लो। थैंक यू भाभी। रोशनी। जी भाभी। तुमसे एक बात पूछनी थी। जी पूछे। निमरा ने दानिल भाई से शादी क्यों नहीं की? क्यों छोड़ दिया था उन्हें? पता नहीं, हमें तो लगता था कि वो भाई से बहुत प्यार करती हैं, पर एक दिन अचानक वो सब कुछ छोड़कर दुबई चली गई। दानियाल भाई तो उनके घर भी गए थे रिश्ता लेकर, लेकिन शायद उनकी मोहब्बत एक ड्रामा थी। तुम कभी मिली थी निमरा से? नहीं, पर उनसे मिले बिना ही मुझे उनसे शदीद नफरत है। भाई की बीमारी की असल वजह तो वही है। खैर, मैं अपने कमरे में हूँ। भाई, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत से लोग मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, पर जिंदगी रुकती तो नहीं ना। और फिर वो भी तो नहीं रुकी, उसने शादी कर ली, तो फिर आप क्यों रुक गए? आज भी आप वहीं खड़े हैं जहां आपको निमरा छोड़ के गई थी। प्लीज भाई, हिम्मत करें, प्लीज जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको आपकी खोई हुई खुशियां वापस मिल जाएंगी। खुशियां, मेरी खुशियां तो मुझसे छीन ली गई। चली गई वो मुझे अकेला छोड़ के, लेकिन मैं अकेला नहीं। उसकी यादें हैं मेरे साथ। भाई भूल जाए उसे, आप मेरी बात माने और शादी कर, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुर्यंत, तुम जाओ यहां से, नींद आ रही है, मुझे सोना चाहता हूं। ये क्या बात हुई? मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ अलीज़े। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ दानिश, तुमने बगैर सोचे समझे मुझे यहाँ भेज दिया। मैं बहुत उदास हूँ तुम्हारे बगैर। अरे कुछ ही दिन की तो बात है अलीज़े, बल्कि यहाँ के बर्तन कपड़े झाड़ू पोंछों से तुम्हारी जान छुड़ाती है। अब तुम वहाँ आराम करो ना, और तुम कह रही हो कि मैं बोर हो रही हूँ, उदास हूँ। अगर मैं सच कहूँ ना, तो मुझे इन सब कामों से कोई तकलीफ नहीं होती। कम से कम तुम्हारा साथ तो होता है ना मेरे साथ। हाय, तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं। ऐसी थोड़ी तो मैं प्यार करता हूँ। मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ। लेकिन 2-4 दिन की तो बात है, और फिर मैं कल तुमसे मिलने भी तो आऊँगा। नहीं, कल नहीं, अभी आ जाओ और यहीं रुक जाना मेरे पास। दानिश, जरा बात सुनना बेटा मेरी। क्या क्या कहा? अलीज़े गिर गई है, मगर कैसे? ओ, फिसल गई है। ओ मेरे खुदा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी पहुँचता हूँ, आप उसे लेकर चले, मैं पहुँचता हूँ अभी। ठीक है, ओके। क्या कह रहे हैं, गिर गई है अलीज़े? अलीज़े गिर गई है, अल्लाह रहम करे। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। जी आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, आप हुक्म करेंगी हम हाजिर हो जाएंगे। रहने दो, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं। झूठ बोल के आए हो ना अम्मी से, सब सुन लिया था मैंने। हद करते हो वैसे दानिश, कितना परेशान हो रहे होंगे घर में सब।
अरे तो होने दो ना, मेरी बीवी खुश है, बस मेरे लिए इतना काफी है। और मैं छुप के आया हूँ या बता के आया हूँ? आ तो गया हूँ ना, खुश हो जाओ ना। शुक्रिया। इसीलिए मैं नहीं जाने देती थी उसे, पर मेरी सुनता कौन है? भला क्या जरूरत थी जाके खाला के घर काम करने की? अरे काम करवाना है तो कोई मुलाजमा रख ले, अब इतना तो है ना उनके पास कि नहीं? क्या सारी जिंदगी बेटियां भाग भाग के अपने घरों से जाती रहेंगी? क्या हो गया दुरैन, फोन क्यों नहीं उठा रहा दानिश? अम्मी आप खामोश होंगी तो कुछ सुन पाऊंगा ना मैं। नहीं उठा रहे फोन, शायद भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गए हो। भला आप कहां लेकर गया है उसे, अस्पताल? पता चले तो जाए ना हम, न जाने कैसी हालत होगी उसकी। आप परेशान नहीं हो, अम्मी है उसके साथ। तुम्हारी अम्मी की वजह से उसकी हालत हुई है दीदी? जब मालूम था उन्हें कि ये हालत है उसकी, तो क्यों किसी काम को हाथ लगाने दिया? अम्मी ने नहीं कहा होगा अलीजे को काम करने के लिए, उसकी खुद की आदत है काम करने की। हाँ सब समझती हूँ मैं। मुंह क्या देख रहे हो, फोन लगाओ दानिश को। अम्मी कर तो रहा हूँ ट्राई। तुम्हारे फोन पे कॉल आ रही है। रहने दो, अम्मी की कॉल। तो उठा लो ना, बता दो उन्हें, परेशान हो रही होंगी। अलीजे तुम्हें भी चैन नहीं, अम्मी से ज्यादा तुम परेशान हो जाती हो, मैं नहीं उठा रहा। बात कर लो दानिश, उनको एटलीस्ट बता दो कि सब कुछ सही है। यार तुम भी ना। हेलो, हाँ दुरैन। भाई किधर हैं आप? हम सब बहुत परेशान हैं और अम्मी भी बहुत परेशान हो रही हैं। अच्छा तो होने दो ना परेशान। क्या कहूँ उनको? तो यार कोई बहाना बना दे। बहाना बना दो? अरे भाई जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बना दो। मैं अलीजे के साथ हूँ, उसकी खाला के घर। खाला के घर? अलीजे के पास सब ठीक तो है ना भाई? अरे हाँ भाई यहाँ सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और अलीजे भी ठीक। बस तुम बहाना बना दो, कह दो कि मैं कल आऊंगा अलीजे को लेकर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। बस खुश हो गई तसल्ली? अच्छा तो मुझे ये बताओ कि इसीलिए दानिश ने मेरी खातिर झूठ बोला। बहुत बुरी बात है बेटा, क्या सोचते हम लोग तुम्हारे बारे में? खाला आप तो हमेशा हमारी फेवर करती थी। लेकिन बेटा झूठ तो झूठ ही होता है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। खाला इसमें अलीजे का कोई कसूर नहीं, असल में ये कदम मैंने मजबूरी में उठाया था। डॉक्टर ने तो अलीजे को कहा था रेस्ट करने के लिए, लेकिन हमारे घर में कहाँ रेस्ट कर सकती है? आपको मालूम है इतने सारे लोग हैं, सबका काम करना होता है। बेटा फिर भी तुम्हें सलीमा से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें मालूम नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। वैसे आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहते। तुम बैठो। अच्छा खाला जान हम चलते हैं, आप प्लीज हमारे घर आइएगा, लेकिन प्लीज हमारा झूठ छुपा लीजिए। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। वैसे मैं अरसलना से कहूंगी कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखे। अरसलना के उधर आने के बाद ही तो मुझे सुकून मिला है, बहुत ख्याल रखते हैं। Thank you.
गया अम्मी, जब उसकी ऐसी हालत थी तो आपने उसको जाने ही क्यों दिया? मेरी कौन सुन रहा है अब इस घर में? इन दोनों को तो हर वक्त माँ के घर जाने की पड़ी है, जब देखो दौड़ दौड़ के जा रही है वहां। हाय, बेचारे दानिश को कितना दुख हुआ होगा, उसका तो पहला बच्चा था ना। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ। हाँ? अरे मैं तो इस हक में ही नहीं थी कि दानिश अभी से औलाद के झंझट में पड़े। या खुदा, तो अंदर से अम्मी ये चाहती थी। पानी का घूंट पिला। उजाला बाजी, आपको खुशखबरी सुना रही है, आपकी शादी तो हम सबसे पहले हुई थी ना। क्यों, तुम्हें मैं चैन और सुकून से बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप, अल्लाह मियां आपको हमेशा चैन और सुकून में रखे, लेकिन बच्चे तो घर की रौनक होते ना बाजी। बड़ी रौनक है भाई इसके घर में, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और ये फिर सादी चाय उठा कर ले आई हो, समोसे ही बना लेती हूँ। मैं भी ले आती हूँ अम्मी। उजाला बाजी, मंसूर भाई आ रहे, खाना तैयार कर लूँ मैं। हाँ, शाम में आएंगे। आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, इसकी तो बहुत जुबान चलती है। चौबीस घंटे से वो मेरे सर पे मुसल्लत रहता है। बस उसका ये हुक्म है कि मेरी माँ को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस उसकी माँ नहीं, किसी मुल्क की कोई मलका ही हो गई। दफा, अब कर भी क्या सकते हैं, अब तो तेरी सास मरे तो तेरी जान छूटे। मेरी बच्ची, अरे यहाँ क्यों आ गई? अपने कमरे में जाकर लेटा था, चल बैठ जाके आराम से आराम से, हम वहीं आ जाते तुझसे मिलने। मैं आपको सलाम करने आई थी। जीती रहे बच्ची, बता दी गोद फिर से। अम्मी मैं तुझे समझा रहा था लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। मैंने कहा आराम कर लो, लेकिन कह रही थी कि मुझे उजाला और अमित के पास। उफ़ अली से क्या हो गया है तुम्हें? हमारे पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है? आवाज दे देती तो हम लोग कहाँ जाते? नीचे कमरे में बिता। चलो चलो कमरे में। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे की खुशियों को। परेशान ना हो तानिश, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और अब मैं चाहती हूँ कि ये काम आप करें। ठीक है, आप इस तरह करें कि मुझे आप उसका नंबर दें। आप ये नंबर है मंसूर भाई। बिल्कुल ठीक, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता। आप पर ही तो भरोसा है मंसूर भाई, लेकिन प्लीज आप इस बारे में किसी से बात नहीं कीजिएगा, कुछ आलाबाजी से भी नहीं। टेंशन मत लीजिए, एक आध दिन में काम हो जाएगा। आप मुझे दे दे, मैं खुद पी लूं। तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें पी लो। खासा इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं। अच्छा, हमने तो यही सुना है कि जब भी कोई बीमार होता है तो उसकी तीमारदारी करना बहुत जरूरी होती है। चलो शाबाश,
वाह भाई, मरीज की खिदमतें हो रही हैं। क्यों ना करूं? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये तो तुम्हारी बहन है, इसका तो तुम्हें और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब आप लोग इतना ख्याल रखें तो फिर मुझे क्या जरूरत है ख्याल रखने की? नहीं उजाला भी, असल ना तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। खैर मैं आपको बुलाने के लिए आई थी, मंसूर भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मंसूर भी ना हर वक्त घर जल्दी जाने की पड़ी रहती है। ये लो सर, अपनी बहन को पूरा सूप पिलाना, पी लेना तुम भी। वाह भाई, बड़ी खिदमतें करवाई जा रही है अपनी नंद से। एक छूट को छुपाते तो पागल हो गए। अच्छा छोड़ो, सूप पियो, बताओ कैसे। दिखाओ, चखो जरा कैसा सूप बनाया उजाला अभी ने, आज तक तो कुछ खाया नहीं उनके हाथ का। अच्छा तुम ही पियो। जिंदगी रो नहीं, गम की मझधार।